कभी अगर बनना है तो बाज की तरह बनना, क्योंकि बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा भी होता है। आज मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। जो पहला है, जब आंधी तूफान आते हैं, जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ते 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 वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इसमें हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। दूसरा है, बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और हमेशा हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है। तीसरा है, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके दम लेता है। और इससे हमें यही सीख मिलती है, अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पीछे मत हटो। चौथा है, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले उससे सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले ही उड़ेगा, पर कभी भी चिड़िया और छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ता है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे। पांचवा है, बाज अपने घोंसलों से नरम घास को हमेशा निकाल देता है, क्योंकि बाज का बच्चा जो होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कम्फर्ट जोन। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप कितना ज़्यादा कम्फर्ट जोन में रहेंगे। आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। यही 5 चीज़ हमें बाज से सीखने चाहिए। धन्यवाद।